वेलकम टू ओपन डेवऑप्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एंजिनिक्स और एंजिनिक्स से हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ एंजिनिक्स? एंजिनिक्स बेसिकली एक वेब सर्वर है। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर आप कह सकते हैं कि एक सिंपल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि पोर्ट 80 पे लिसन करता है और प्रोटोकॉल यूज़ करता है HTTP। सो वेब सर्वर बेसिकली जो है वो हमारे पास यूज़ होता है वेब कंटेंट को सर्व करवाने के लिए। वेब कंटेंट डायनेमिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। डायनेमिक वेब कंटेंट की एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो कोई भी आप ई कॉमर्स की साइट देख लें, उसमें बैकएंड पे डेटाबेस अटैच होती है और आप क्यूरीज करते हैं अपने शॉपिंग कार्ट की और बाकी चीज़ों की। एंड दी अदर थिंग इज़ स्टैटिक कॉन्टेंट। स्टैटिक कॉन्टेंट में आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं और दूसरा PNG इमेजेस आ जाती हैं और उनसे मिलकर जो वेबसाइट बनती है उसको हम स्टैटिक कॉन्टेंट के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। सो एंजिनिक्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक डायनामिक एंड स्टैटिक कॉन्टेंट को क्लाइंट्स तक सर्व करवाने के लिए एक वेब सर्वर है जिसको हम यूज़ करते हैं। Nginx can also be working as reverse proxy. Basically Nginx को अगर आप प्योर सेंस में लें तो ये रिवर्स प्रॉक्सी ही है इन इट्स कोर। सो रिवर्स प्रॉक्सी हमारे पास क्या चीज़ होती है? रिवर्स प्रॉक्सी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एक पब्लिक फेसिंग सर्वर होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्वर है जो कि पब्लिक फेसिंग है और इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो इसके बैकएंड पे हम बैकएंड को मैनेज करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सर्वर्स अटैच हैं और ये हमारे बैकएंड सर्वर्स होंगे, ठीक है, जो कि जिन पे इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। इंटरनेट हो भी तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। अगर आप लैन के साथ कनेक्ट करते हैं इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है बैकएंड सर्वर पे। सो हमारे जितने भी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करेंगे वो सब की सब रिक्वेस्ट जो हैं वो इस सर्वर पे इंटरटेन होंगी और ये सर्वर जो है वो बैकएंड राउटिंग पे थ्रू लैन या वैन जो भी इसको आप देंगे ये रिक्वेस्ट को रीराउट कर देगा अपने बैकएंड सर्वर्स की तरफ, ठीक है, थ्रू HTTP, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये HTTPS कर सकते हैं, हम ये HTTP ही रखेंगे, ठीक है। सो रिवर्स प्रॉक्सी का अगर हम बेसिक में पर्पस देखें तो रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो हम बेसिकली एक ही पब्लिक इंटरफेसिंग सर्वर रखते हैं और फिर उसके बैकएंड पे मल्टीपल सर्वर्स अटैच करवाते हैं और फिर हम रिक्वेस्ट को अपनी मर्जी से रीराउट करवाते हैं थ्रू 2 बैकएंड सर्वर्स। सो लोड बैलेंसर की बात कर रहे हैं, एंजिनेक्स पे हम लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी सब कैटेगरी आप समझ सकते हैं कि ये रिवर्स प्रॉक्सी की है। इसमें भी हमारे पास जो होता है वो एक पब्लिक फेसिंग सर्वर होता है और उसके बैकएंड पे हम मल्टीपल सर्वर्स लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 4 सर्वर्स अटैच कर दिए हैं, ठीक है, इसके बैकएंड पे। सो एंजिनेक्स जो है वो सारी रिक्वेस्ट अकेला इंटरटेन नहीं कर सकता। सो हम क्या करते हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो एक पब्लिक फेसिंग सर्वर पे हम उनको इंटरटेन करते हैं और उसके बैकएंड पे हम मल्टीपल्स जो है वो सर्वर अटैच कर देते हैं। जितने सर्वर्स अटैच होंगे उनके दरमियान एंजिनेक्स जो है वो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ए की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, सो इसको सर्वर 1 पे राउट कर दिया जाएगा। क्लाइंट बी की रिक्वेस्ट आएगी उसको सर्वर 2 पे राउट कर दिया जाएगा। क्लाइंट सी की रिक्वेस्ट आएगी उसको सर्वर 3 पे राउट कर देंगे। सो इस तरीके से हम लोड बैलेंसिंग का गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं एंजिनिक्स के सीन में। उसे नेक्स्ट स्टेज पे हम देख लेते हैं जी, बैकएंड राउटिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। बैकएंड राउटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 ऐप्स हैं, ठीक है, ये आपके जो 2 सर्वर्स हैं ये ऐप 1 को सर्व कर रहे हैं इसमें और ये जो 2 सर्वर्स हैं वो आपके ऐप 2 को सर्व कर रहे हैं। ये ऐप 2 कर लेते हैं, ये ऐप
वन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि आपने, जाहिर बात है, एक ऐप की आपने एक ऐप की मेंटेनेंस करनी है, सो आप इन दोनों सर्वर्स को डाउन करके आप अपनी सारी रिक्वेस्ट ऐप वन की तरफ जो है वो राउट करवा सकते हैं। ये बैकएंड राउटिंग जो है वो हम फेसिंग सर्वर में परफॉर्म करेंगे और हम इधर ही बैठ के डिसाइड करेंगे एट दिस पॉइंट कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो किन बैकएंड सर्वर्स की तरफ राउट हो। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ए रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको ऐप वन सर्व करवाना चाह रहे हैं, हम उसका इजीली जो है वो राउटिंग में डाल सकते हैं कि जब भी क्लाइंट ए आएगा उसको आपने इन दोनों सेट ऑफ सर्वर्स से रिक्वेस्ट इंटरटेन करवानी है, और जब क्लाइंट बी आएगा तो आपने सेकेंड सेट ऑफ सर्वर से इस रिक्वेस्ट को इंटरटेन करवाना है। बैकएंड राउटिंग में एंजिनक्स सिर्फ बैकएंड और राउटिंग परफॉर्म नहीं करता, एंजिनक्स जो है वो जब भी कोई क्लाइंट ए की रिक्वेस्ट आएगी इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता है, ठीक है, इसको रीराउट भी कर सकता है और आपके जो बैकएंड सर्वर्स हैं उनकी हेल्थ चेक को भी मेंटेन करता है। सो ये सब टास्क जो हैं वो बैकएंड राउटिंग में हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैशिंग की। कैशिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं एवरी टाइम। अगर आप पब्लिक सर्वर फेसिंग की बात करें, सो एक क्लाइंट ए रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसकी रिक्वेस्ट अगर बैकएंड सर्वर्स के थ्रू ही आप उससे रीराउटिंग करवा के और रिस्पॉन्स उसका गेट करवा रहे हैं क्लाइंट ए को, देन इस चीज़ की, इस लिंक की भी एक कॉस्ट है, ठीक है, और आपके जितने भी सर्वर्स आ रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आप इंटरटेन कर रहे हैं इस पब्लिक फेसिंग सर्वर पे, उन सब की रिक्वेस्ट आप बार बार रीराउट करवा रहे हैं अगर बैकएंड सर्वर पे, तो जाहिर बात है कि आपके रिसोर्सेज भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं और आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक का भी ओवरहेड पड़ेगा। सो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम एंजिनक्स में ही रिवर्स कैशिंग का फीचर जो है वो इनेबल कर देते हैं। कैशिंग का फीचर क्या करेगा? कैशिंग का फीचर, अगर क्लाइंट ए ने कोई रिक्वेस्ट की है किसी स्टैटिक पेज की या किसी भी किस्म के कंटेंट की, सो जब भी एंजिनक्स पब्लिक फेसिंग सर्वर को ये रिक्वेस्ट रिसीव होगी, सो एंजिनक्स इससे अगर रिस्पॉन्स लेके जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस सर्वर का वो इस पर कैश कर लेगा और इस कैश को वो मेंटेन करेगा। कितनी देर तक मेंटेन करेगा ये हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में उसको सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 10 आवर्स। एंड देन जब क्लाइंट बी सेम रिक्वेस्ट के लिए आएगा तो एंजिनक्स सर्वर जो होगा वो बार बार इसको बैकएंड पे सेंड करने के बजाय इसी कैशिंग को सर्व करवा देगा, इसी कंटेंट ऑफ डाटा को क्लाइंट बी को सर्व करवा देगा। एपीआई गेटवे की बात कर लेते हैं। एपीआई गेटवे में सेम सिनेरियो ही रहेगा हमारा। एपीआई गेटवे हम यूज़ करते हैं एपीआई की लोड बैलेंसिंग के लिए, और इसमें भी हम बैकएंड पे मल्टीपल सर्वर्स लगाते हैं और हम जो है वो एपीआई में ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हम एपीआई में, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एपीआई की रिक्वेस्ट आ रही हैं तो आप सिंगल पब्लिक फेसिंग सर्वर पर उसको रिसीव करेंगे एंड देन आप उसको मल्टीपल सेट ऑफ सर्वर्स की तरफ राउट करवाते जाएंगे। सो अगर आपने किसी एपीआई की मेंटेनेंस करनी है, फॉर एग्जांपल इस सर्वर की आपकी मेंटेनेंस है, सो आप इसको सिंपल जो है वो इधर से डिसकनेक्ट कर देंगे और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इन वन और टू सर्वर्स में इजीली जो है वो इंटरटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। अदर साइड्स ऑफ द एपीआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एपीआई सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम सब एपीआईज को पब्लिक फेसिंग नहीं करते, कुछ एपीआईज जो हैं वो बैकएंड पे ही परफॉर्म कर रही होती हैं। और थर्ड वन, अगर आप एपीआई सेल आउट करते हैं तो हाउ मैनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो हैं वो आपका क्लाइंट जो है वो इंटरटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऐप बनाई है और क्लाइंट्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर रहे हैं आपके सर्वर पे, सो आप इसकी रेट लिमिटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं इसी सर्वर में थ्रू एंजिनक्स। सो ये सब चीज़ें कैसे होंगी इसको हम डिटेल में काफ़ी थ्रू आउट द कोर्स देखेंगे। थोड़ी सी एंजिनक्स की हिस्ट्री और एंजिनक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं अपाची के साथ। सो एंजिनक्स जो है वो सबसे पहले डेवलप किया था आइगर सिसॉव, ये बेसिकली रशियन डेवलपर था जो कि काम कर रहा था किसी प्रोजेक्ट पे।
सो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था अपाची के 10K प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर आप अपाची का 10K प्रॉब्लम्स रीड आउट करना चाहते हैं तो आप विकीपीडिया पे सिंपल 10K प्रॉब्लम्स अपाची लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी डिटेल नॉलेज पेज आ जाएगा। सो अपाची 10K प्रॉब्लम्स एंड हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन की वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड से अपाची की परफॉर्मेंस है। सो इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने अपना वेब सर्वर एक डेवलप करना है, और इन्होंने फिर अपना वेब सर्वर एंजिनेक्स डेवलप किया। सो आइगर इज़ अलाइव बाय द वे, अभी तक जिंदा है। सो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी इसको। बेसिकली अगर अपाची और इंजिनेक्स की कंपैरिजन की बात करें तो अपाची जो होता है वो प्री फोर्क मोड में कॉन्फ़िगर होता है हमारे पास, प्री फोर्क मोड। अपाची हमारे पास प्री फोर्क मोड में कॉन्फ़िगर होता है। प्री फोर्क मोड में कॉन्फ़िगर होने का मतलब यह है कि अपाची की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हम बता देते हैं कि अपाची कितने प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। अपाची सिंपल उतने प्रोसेस को जितने हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मेंशन करेंगे उतने प्रोसेस को हैंडल करेगा, रेस्ट ऑफ देम ऑलवेज जो है वो अपाची किल करवा देगा। सो एंजिनेक्स ऑन द अदर हैंड साइड, अगर ये एंजिनेक्स का एक सिंगल प्रोसेस है तो ये एसिंक्रोनसली काम कर रहा होता है, ए सिंक वे में काम करता है ये एसिंक्रोनसली। एंड इसकी जो प्रोसेस हैं वो डिपेंड करते हैं आपके रिसोर्सेज के ऊपर। अगर आपके सर्वर के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो एंजिनेक्स का सिंगल प्रोसेस जो है, सिंगल रनिंग प्रोसेस, वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है इजीली, जब तक कि आपकी मेमोरी या सीपीयू टोटल कंज्यूम नहीं हो जाता है, एंजिनेक्स अपना काम करता रहता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में। उसके बाद एंजिनेक्स इज़ लेस रिसोर्स हंग्री इन टर्म ऑफ सीपीयू एंड रैम एंड कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट करेक्शंस विद लेस मेमोरी। सो एंजिनेक्स जो है वो मेमोरी भी बहुत कम यूज़ करता है। एंजिनेक्स के मेमोरी कम यूज़ करने की वजह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंजिनेक्स का जो प्रोसेस होता है वो अपनी मेमोरी जो है वो यूज़ करता है प्रोसेस के लिए। एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे कि PHP है, उसके लिए एंजिनेक्स जो है वो अलहदा से मेमोरी जो है वो असाइन करवा देता है। सो ये वेब सर्वर के अलावा मेमोरी होती है जो कि PHP के प्रोसेस के लिए यूज़ होगी, और एंजिनेक्स की जो मेमोरी है वो एंजिनेक्स अपने लिए यूज़ करेगा। इस सीन में क्या होगा हमारे पास कि जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो जो PHP की रिक्वेस्ट होगी वो सिंपली PHP के थ्रू रिजॉल्व होगी, जो PHP के रिलेटेड आएगी रिक्वेस्ट सर्वर साइड लैंग्वेज के अगेंस्ट वो PHP को एम्बेड करके उसके थ्रू रिजॉल्व होगी, और रेस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो एंजिनेक्स सिंगल हैंडेड सर्व करवा देगा। एंड ऑन दी अदर साइड अगर आप PHP में देखेंगे तो PHP में इस तरह का कोई नहीं है ऑप्शन अवेलेबल। PHP जो है वो सारे के सारे अपाची सर्वर के ऊपर PHP एम्बेड हुई है। सो जितनी भी आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी वो PHP से रिलेटेड हो या PNG से या TXT से, उन सबको जो है वो PHP के ओवरहेड के थ्रू ही रिजॉल्व करवाएगा अपाची। सो इस केस में अपाची की जो है वो मेमोरी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्टैटिक कंटेंट सर्विंग की बात करते हैं तो एंजिनेक्स जो होता है वो अगर आपकी PNG की या TXT की या कोई भी और फाइल्स हैं जो कि स्टैटिक वेब कंटेंट के स्नैरियो में आती हैं, उनको एंजिनेक्स जो है वो विदाउट इम्बेडिंग द सर्वर लैंग्वेज, मतलब कि PHP को इन्वॉल्व किए बगैर एंजिनेक्स जो है वो उसको रिजॉल्व करवा देगा, और आपकी जो स्टैटिक कंटेंट की जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो सिंपल आप समझ लें कि इस इधर तक इंजिनेक्स के थ्रू ही रिजॉल्व हो जाएंगी, और जो भी आपकी PHP से रिलेटेड रिक्वेस्ट होगी वही सिर्फ प्रोसेस जो है वो PHP के थ्रू रिजॉल्व होगा। सो स्टैटिक कंटेंट सर्वर में इंजिनेक्स इज 2.5x फास्टर देन अपाची। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे कि अपाची, तो अपाची में आपकी जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सिंपल इमेज की है या TXT फाइल की है, उसमें आपको सर्वर साइड
लैंग्वेज की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अपाचे जो है वो इस रिक्वेस्ट को, PNG की और TXT की रिक्वेस्ट को जब भी रिजॉल्व करवाएगा तो विद द ओवरहेड ऑफ PHP सर्वर साइड लैंग्वेज ही रिजॉल्व करवाएगा। सो दैट्स वाई इस सीन में अपाची जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है। और दूसरे तो नंबर पे जो स्टैटिक कंटेंट की डिलीवरी है अपाची की, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। सो ये दो मेन डिफरेंस हैं अपाची में और इंजनएक्स में। थर्ड मेन डिफरेंस इन एंजिनेक्स वर्सेस अपाची इज़, अपाची जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे बेसिकली वर्क करता है, और एंजिनेक्स जो है उसमें हम एंजिनेक्स में URI लोकेशंस यूज़ कर सकते हैं। अपाची में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखते हैं तो अपाची एक हायरार्की ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। और अगर हम इसको ओवरराइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी डायरेक्टरी को ओवरराइड करना चाह रहे हैं अपने इस फाइल की कॉन्फ़िगरेशन में, देन आपको .htaccess फाइल की यूज़ करना पड़ती है। .htaccess फाइल जब जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा सर्वर पे रिसोर्सेज की प्लेंटी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि .htaccess फाइल जब भी सर्वर ब्लॉक में यूज़ होती है तो .htaccess फाइल अगर आपने ऑन द लास्ट पॉइंट लिख दी है, सो आपका वेब सर्वर क्या करता है कि आपके सर्वर ब्लॉक को अगेन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट रीड आउट करना स्टार्ट करता है। सो एक ही रिक्वेस्ट इंटरटेन करने के लिए जब आपका सर्वर जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट इधर से रीड करता हुआ नीचे आता है, और नीचे आके उसको .htaccess मिलती है, और .htaccess मिलने के बाद अगर आपने उसमें डायरेक्टरी ओवरराइड की हुई है तो सॉरी फॉर अपाची का सर्वर जो है वो दोबारा इनिशियल पॉइंट पे जाता है, और देन वो सर्वर ब्लॉक रीड करता है, और देन रिक्वेस्ट रिजॉल्व करके क्लाइंट तक आंसर किया जाता है। सो इस प्रोसेस में जो है वो .htaccess का जो प्रोसेस है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड फेस करना पड़ता है इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज और CPU यूटिलाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे कि एंजिनेक्स में लोकेशंस का एक पैरामीटर होता है जो कि हम पास करते हैं सिंपल, और इसके बेस पे हम डायरेक्टरी और फोल्डर ओवरराइड करवा सकते हैं। सो इसको हम देखेंगे डिटेल में काफ़ी, लोकेशन के डायरेक्टिव एंड पैरामीटर को। सो ये बेसिकली मेन डिफरेंस आप काउंट कर सकते हैं एंजिनेक्स वर्सेस अपाची में, ये थ्री मेन डिफरेंस जिसकी वजह से इंजिनेक्स इज़ मोर एफिशिएंट देन अपाची। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंजन एक्स की इंस्टॉलेशन।